हेलो दोस्तों, हिमाचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 31 जनवरी की जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन आज HPSSC द्वारा जारी की गई है, उन सभी नोटिफिकेशंस को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये पोस्ट है इन्वेस्टिगेटर की, इसकी टोटल 2 पोस्टें हैं। तो इसका फाइनल रिजल्ट आज HPSSC द्वारा जारी की गया है। इसका पोस्ट कोड है 884। तो यहाँ पर टोटल 2 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उनके रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट और टोटल मार्क्स यहाँ लिखे हैं। 2 पोस्टें थी, इसमें एक जर्नल EWS की पोस्ट थी और एक OBC अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट थी। इसका जो रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट था, ये हुआ था 11 जुलाई 2021 को, और जो उसके बाद इवेल्युएशन थी वो हुई थी 9 दिसंबर 2021 को। 8 कैंडिडेट की इवेल्युएशन हुई थी, तो उसमें से 2 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उनके रोल नंबर यहाँ लिखे हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी रिजल्ट को लेके है, ये फाइनल रिजल्ट है जूनियर ऑफिसर पोस्ट कोड 841 का। तो इसकी भी टोटल 2 पोस्टें थी, OBC अनरिजर्व की एक थी, SC अनरिजर्व की भी एक पोस्ट थी। यहाँ पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं फाइनली, उनके रोल नंबर यहाँ लिखे हैं। 8 कैंडिडेट की ही इवेल्युएशन हुई थी 21 दिसंबर को। तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं उनके रोल नंबर हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है इवेल्युएशन को लेके, ये इवेल्युएशन शेड्यूल है पोस्ट कोड 921 का। इसकी इवेल्युएशन होगी 5 फरवरी को। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ID, रोल नंबर, कैंडिडेट के नेम यहाँ लिखे हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी इवेल्युएशन को लेके है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो इवेल्युएशन शेड्यूल है, ये है पोस्ट कोड 880 का। तो इसकी इवेल्युएशन भी 5 फरवरी को होगी। इसमें भी कैंडिडेट के नेम, रोल नंबर और एप्लीकेशन ID दी गई है। टोटल 4 कैंडिडेट की इवेल्युएशन होगी। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है, ये भी इवेल्युएशन को लेके है, उसको देखते हैं। तो ये इवेल्युएशन शेड्यूल है इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 876 का। इसकी वैल्यूएशन होगी 4 फरवरी को। यहाँ पर 4 कैंडिडेट की वैल्यूएशन होगी 4 फरवरी को, उनके नेम यहाँ लिखे हैं, साथ ही साथ रोल नंबर भी यहाँ लिखे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यू नोटिफिकेशन जो कि HPSSC द्वारा जारी की गई थी। इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।